Example 3, PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at the point T. Find the length TP. तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया है, सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसकी एक कॉर्ड है PQ, ठीक है, दोनों पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ है, वो यहाँ पे मीट होता है पॉइंट टी पे. हमें फाइंड क्या करना है, टीपी फाइंड करना है, टीपी कितना है. अब टीपी एंड टी क्यू दोनों इक्वल हो गए क्योंकि एक ही कॉर्ड है, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है. अब जो कॉर्ड है PQ उसका है 8 सेंटीमीटर, तो ये जो R है, ठीक है, PR कितना होगा 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 होगा. अब ये राइट एंगल होगा, तो ये 4 है, ये 5 है, तो R आएगा 3. कैसे, PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंगली फाइंड करेंगे, यहां पे दिया हुआ है, तो OR आएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है. अब हमें क्या फाइंड करना है, टीपी फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास ये ट्रायंगल है TPR, ठीक है, उसमें टीपी भी नहीं है, TR भी नहीं है, सिर्फ PR है, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिमिलर बनाएंगे, तो किस तरह से, ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये दोनों सेम है 90 डिग्री. अब ये टेंजेंट है, ठीक है, तो टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, ठीक है. तो सपोज ये एंगल थीटा है, अज्यूम कर लेते हैं, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन होना चाहिए 90, राइट एंगल है इसलिए. अब ये 90 माइनस थीटा है, अब ये ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है, और ये राइट एंगल का 90 है, तो इन दोनों का एडिशन भी 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये होगा थीटा, ठीक है. यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, RPO एंड RTP, ठीक है. तो हम यहाँ पे देखेगी दो एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है, और ये तीसरी साइड PR, ठीक है. तो ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल TRP एंड ट्राइंगल PRO, ठीक है. जो सिमिलरिटीज है वो कौन सी है वो हम कहते हैं, ठीक है. तो यहां पे एंगल P है, तो यहां पे T है, तो P T, ठीक है. यहां पे R है, तो R ही है, आर आर. अब लास्ट पॉइंट कौन सा बचा, टी आर पी, तो यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे आएगा ओ, ठीक है. तो ये हो गए, ठीक है. तो इसको अकॉर्डिंगली होगा क्या, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, एंड एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ओ, ठीक है. दोनों ट्राइंगल को लेंगे, ये एक लेफ्ट साइड वाला और राइट, ठीक है. और जो साइड्स होगी वो प्रपोजन में होगी, जैसे कि टी आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर ओ इज इक्वल टू टी पी अपॉन पी ओ, ठीक है. इसमें देखे तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, पी आर की वैल्यू है, आर ओ की है, ठीक है. तो पी आर और आर ओ वाला हम ले लेते हैं, ठीक है. तो ये रहा आर पी, ये पी आर और ये आर ओ, ठीक है. इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दे. तो टी आर डिवाइड बाय पी आर इज इक्वल टू आर पी डिवाइड बाय आर, ठीक है. इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें टी आर मिल जाएगा, ठीक है. लेकिन एक्चुअली में हमें टी आर ढूंढने की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है. तो हम इस तरह से भी जा सकते हैं, टी आर ढूंढ गए तो टी आर की वैल्यू जहां पे आ जाए उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसके टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा. या तो हम दूसरा यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे ये नहीं लेते, ठीक है. तो ये आर पी है, ये आर ओ है, अब पी ओ है, वो रेडियस है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास है. तो ये सब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक, तो हमें मिल जाएगा का टी पी. तो आर पी कितना है, आर पी है 4 डिवाइड बाय आर ओ 3, 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू टी पी डिवाइड बाय, अब पी ओ यानी कि रेडियस वो है 5. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 × 4 टीपी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया आंसर, ठीक. यहाँ पे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया गया है, सिमिलरिटीज, ठीक. अब एक और मेथड है, इसमें क्या है,
कि राइट एंगल ट्राइंगल है वो प्रॉपर्टीज उसके टीपी को एक्स लिया है और टीआर को वाई, तो यहाँ पे टीपी इज इक्वल टू एक्स एंड टीआर इज इक्वल टू वाई, तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, तो वाई स्क्वायर प्लस फोर, फोर का स्क्वायर यानी कि 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक इक्वेशन मिल गया। अब यहां पे क्या होगा, और एक दूसरा ट्राइंगल लिया है टीपीओ, तो टीपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू टीओ स्क्वायर, क्योंकि ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो टीपी कितना है एक्स स्क्वायर, पीओ स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू टीओ यानी कि टीआर प्लस आरओ वाई प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, इसमें से ये माइनस किया तो एक्स स्क्वायर टर्म निकल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट है सेकंड है, इसमें से ये माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो एक्स निकल गया, वाई रहा, वाई को सिंपलीफाई किया, वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है लेकिन एक्स तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव होगा नहीं लेंथ, तो एक्स स्क्वायर का रूट लिया तो एक्स आ गया 22/3 सेंटीमीटर।